मेरा क्वेश्चन सी जपजी दे विच इक तुक आ रही है जी सचखंड वसे निरंकार। सचखंड की है? सचखंड आप भौतिक लाइफ में सचखंड सानू किवें मिलना? मान्योग मेरे वीर गगनदीप सिंह जी तुसी एक तां इत्थे प्रिंसीपल साहब दे साहिबजादे हो और उन्होंने मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के सारे इस अदारे वास्ते काम कर रहे हो। तुहाडा इह वाला क्वेश्चन वास्ते मन और तुहाडी क्यूरियोसिटी बनाने वास्ते मैं तुहानू बधाई देंदा कि तुसी इस तरीके नाल सोच भी रखते हो कि तुहानू गुरबाणी विच इंटरेस्ट है। सारी दुनिया मनदी है मरण तो बाद उत्ते किथे सचखंड होंदा है। सारी दुनिया समझती है, पुरानी बोली विच उस सचखंड नू लोकी बैकुंठ कहंदे सन, परलोक कहंदे सन, पैराडाइज कहंदे सन, हैवन कहंदे सन। गुरबाणी विच कहंदे ने फरीदा खालक खलक मैं खलक वसे रब माए। जिहड़ा रब तू आसमाना ते गल्लां करदा है ना वह धरती च वसदा है और धरती च वसदा है घट घट मैं अर्जू वसे सारियां दे दिलां च वसदा है। सो जिथे रब वसदा उहनूं सचखंड कहंदे ने। तो रब वसदा मेरे हिरदे विच, तुहाडे हिरदे विच। इहदा मतलब सचखंड अंदर हुंदा है। अंदर दी अवस्था जदों कूड़ियार तो सचियार बनता है साडा मन, तो कूड़ियार तो कूड़ उतारते 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 जिस दिन सचियार बन जाता है उस दिन अपने अंदर की दरगाह चला जाता है। अंदर रब जी वसते ने तो हैरान होकर कहते हैं वाओ सचखंड वसे निरंकार। पर इस अवस्था तक पहुँचने वास्ते उन्होंने धर्मखंड ही जाना पैंदा है। धर्मखंड का मतलब होंदा है वो समझदा है कि मैं बीमार हाँ, वो मनता है कि मेरे अंदर अवगुण और डेफिशिएंसीज शॉर्टकमिंग्स या फ्लॉज या कमियां हैं। जोड़ा इंसान मन जाए कि मेरे अंदर कमियां हैं, जोड़ा इंसान मन जाए कि मैं बीमार हाँ, वो इंसान डॉक्टर को जाएगा। सो जोड़ा मन ये मन लवे कि मैं बीमार हाँ, कूड़ियार हाँ, कि सचारा होई है कि कूड़ा टुटे पाल, वो वाला मन जदों सतगुर की मत लैंदा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, तो कहता मैं बीमार हाँ। ये अवस्था है धर्मखंड। जदों बीमार होकर डॉक्टर को जा कहता डॉक्टर साहब मेरी बीमारी दूर करो, अच्छा दसो ना, कहो ना मैं किस तरह ठीक होवा। उन्होंने कहते हैं ज्ञान खंड का आखो कर्म अपना डायग्नोज करके मैं दसो ना मैं कि मैं बीमार हाँ, मैं की करा। फिर डॉक्टर जो कहता है, सतगुर जो कहता है, डॉक्टर जो कहता है, जिन्हें ज्ञान खंड वेले ज्ञान खंड आखो प्लीज़ दसो क्या ना, जिहड़ा कहता है वो जो दसते ने वो दसी हुई गल उत्ते मेहनत करता है, उस अवस्था नूं श्रम खंड कहते हैं। श्रम खंड तो जदों श्रम मेहनत करता जाता है और उसके उत्ते जैसा दसिया वैसे फलसफे अनुसार टुरदा रहता है, प्रिवेंशन करता रहता है, तो कर्मखंड की अवस्था बनती है। और जदों हंकार नहीं करता कि लो जी मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो शराब नहीं पींदा, मैं बड़ा शरीफ आदमी हाँ, उस वेले उहदा अंदर दा सचखंड दा बूआ खुल जाता है। यू आर मोस्ट हम्बल एंड यू आर मोस्ट पायस, तो सचखंड वसे निरंकार नजरी पै जाता है। यही चार खंड तो बाद पंजवा खंड पे पंजवा खंड आपे खुल गया। ये मरण तो बाद नहीं है, ये किते उत्ते सतवें आसमान ते नहीं है, है ना। सचखंड विच रब जी वसदे ने, है ना। कबीर साहब कहते ने विच संगत हर प्रभ वसै जियो। जदों मैं सच का संग करता हाँ, सच के संग च रब जी वसदे ने, सच के संग नूं सचखंड कहते हैं। मेरा मन जदों अंदर वसदे रब जी दे दित्ती हुई मत सतगुर की मत का संग करता है, तो सचखंड वसै निरंकार वापर जाता है। थैंक यू, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सीमा कुमारी है, पिंड भामड़ी। सीमा कुमारी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आप जी तो पूछना चाहनी हाँ कि एक बार जो आप हार जाते हैं तो आप ढेंदी कला वाल नैगेटिव थिंकिंग तो अगे भी आप नैगेटिव थिंकिंग वाल प्रफुल्लित हो जाने, पॉजिटिव जी थिंकिंग आ वो साढ़े मतलब साढ़े विच नहीं आती। इसदा कारण की है? जदों असी हार मान लैंदे आ ना तो नैगेटिव थिंकिंग के शिकार होंदे हैं। साढ़े घरां विच बत्ती चली जाती है तो असी की करते हैं, चली गई तो कोई गल नहीं दीवा बाल लैंदे। इहदा मतलब मैं बत्ती चली गई नाल हार नहीं मन्नी। चढ़ती कला च रहे ना, जे दीवा भी नहीं है तो ना सही, लाइट है तो चलो पखा भी चला लो, एयर कंडीशन भी चला लो, पर नहीं है तो ना सही। अपने हर हालात विच अपने आप को बैलेंस रखिए तो फिर नैगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, है ना। कोई कह दे तेरे नंबर घट आए ने, कोई कह दे जा तेनू अक्ल नहीं है, कोई कह दे जा तेनू कपड़े पाने नहीं आते, कोई जा तेरे वाल ठीक नहीं बनाने आते, कुछ ही कहता रहा। कई कुड़ियाँ कहदियाँ जदों मैं ब्याह के गई मेरी सस मैनू गल गल ते ताना मारदी है, तेरी माँ कंजूस है, तेरी माँ ने दाज कुछ नहीं दिता, तेरी माँ बद चलन है। तो मैंने कहा तेरी माँ बद चलन है नहीं है, तेरी माँ कंजूस नहीं है, तेरी माँ ने तो दिल का कलेजा कढ़ के अगे धी नूं विआह दिता है ना, तो तू माण नाल रह, डोंट वरी, तू ऐ समझ मेरी माँ नूं किहा ही नहीं, है ना। जदों इस तरीके नाल अपनी दृढ़ता बनाते हैं ना तो साडा मन टैंदियां कलां च नहीं जाता। हाँ जी, तुसीं कोई एग्जाम्पल पेश करना चाहोगे टैंदियां कलां वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? मेरे इस बार मैं प्लस वन च मेहनत तो बहुत की पर मेरे मार्क्स घट आए, टेंथ की गल, टेंथ च मेरे मार्क्स मतलब 85% आए, हजे कि मेरा टारगेट हाई ही। तो वो तो बाद मेरे अपने च मतलब हूँ क्यूरियोसिटी नहीं रह गई, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आती नहीं, बस टाइम दी गला। सीमा बच्चे जी नंबर लैण वास्ते नहीं पढ़ीदा, सिर्फ ईमानदारी नाल पढ़ाई करीदा, फिर जितने भी आन है ना। तो नोटिस करना मेरा समा कित्थे जाया जाता है, मैं अपने अवगुण लब्बा भी कित्थे केड़ी कमी रह गई सी, फिर उसके वास्ते पॉजिटिव थिंकिंग आती जाएगी क्योंकि तुसी क्रिएटिव कुछ करन लगे हो, है ना। तो क्यूरियोसिटी जाग पेगी। जे मन अंदर आ जाए मैं बड़ा पढ़ी सी पर मेरा टारगेट 90 सी, 70 क्यों आए, तो फिर टैंदियां गल्ल आ जाएगी ना। 70 क्यों आए, मेरे क्यों घट आए, बाकियां दे क्यों ज़्यादा आए, यह सारियां सोचनियां तो छुटते हैं और अपना लभदे हैं मेरा समा कित्थे जाया चला गया सी। जुडिशियसली अपने टाइम नूं मैं स्पेंड किस तरह नहीं कर पाई, बस तो हुण लभोगे ना जदों तो तुहानूं ओ खाने लभदे जाणगे जिस जिहड़ी जिहड़ी विंडो ते समा जाया चला गया सी। हाँ जी, है ना। तो अपना वो गुण ठीक कर लो, तुहानूं चढ़दी कला वाला ख्याल आ गया, ठीक है सीमा? हाँ जी, चंगा।